हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में ईमेल शिक्षकों की भर्ती और इससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @AtulKumarSharma09 पर पोस्ट कर दिए। यहां पर शेयर की अमेजन की लिंक पोस्ट की, वर्ग 3 की बुक्स, सी टेट की बुक्स, MPPSC की बुक्स, सफलता की बहुत करीब आपको ले जाती है। तो दोस्तों, जो आप कमेंट करते हैं उनसे ही बनता है मेरा अगला वीडियो। कल आया था मैं लाइव, उसमें आपके काफ़ी कमेंट आए तो उनके जवाब दूंगा। और साथ में बहुत से भाई बहनों को ये शिकायत है कि सर आप रिप्लाई क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो उस बारे में मैं आज डिस्कशन करूंगा। साथ में वर्ग 3 आपकी आने वाली है दोस्तों, तो उसकी तैयारी बिल्कुल आप जारी रखें, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 यदि खराब चला गया है तो वर्ग 3 लास्ट ऑप्शन आपके पास है। और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं कि सीप्री में मैं फ्री कोचिंग आपको दे सकूं, जिससे कि आपके पैसों का भी नुकसान ना हो। क्योंकि बहुत से भाई बहनों के मन में कंफ्यूजन है कि यदि हम किसी कोचिंग क्लास में गए, हमने 10 से 12 हजार रुपए पे कर दिए, वर्ग 3 की तैयारी की, और यदि नोटिफिकेशन नहीं आया सर, तो हमारे पैसे तो बेकार चले जाएंगे। तो ध्यान रखें कि आपके रुपए बेकार नहीं जाएंगे, आप मुझसे फ्री में पढ़ सकते हैं। और साथ में यदि आप ज्ञान अर्जन करते हैं, वर्ग 3 की तैयारी करते हैं, तो ज्ञान अर्जन जो होता है वो कभी भी बेकार नहीं जाता है दोस्तों, और 100% ये जॉब आएगी ही आएगी। इस पर मैं एक वीडियो पूरा ही ला चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जारी होती हैं, उनमें सब में वर्ग 3 का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, पहली कमेंट जो है आपकी वो है कि क्या आचार संहिता में भी काउंसलिंग हो सकती है। डेफिनेट आचार संहिता में काउंसलिंग हो सकती है, सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। बहुत से भाई बहन अक्सर ये पूछते हैं कि सर पंचायती चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, उसकी आचार संहिता के चलते क्या आपकी काउंसलिंग होगी। डेफिनेटली होगी, सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, वो एक अलग मैटर है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वेरीफाइड करना, यानी कि आपने जो जानकारी भरी है, जैसे आपने कहा कि हम बीएड हैं, हमने ग्रेजुएशन भी किया है और हमने आपके पात्रता परीक्षा भी पास की है, तो ये सब आप प्रूव करोगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और उसकी एक फोटोकॉपी आपकी जमा हो जाएगी। वो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स सब सही पाए जाते हैं, उसके बाद एक रेफरेंस नंबर जारी होगा ऑनलाइन, यानी NIC के माध्यम से। वो रेफरेंस नंबर ही आपके चॉइस फिलिंग के समय काम आएगा दोस्तों। तो जब भी आप फिर जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चॉइस फिलिंग करेंगे ऑनलाइन जाकर NIC के माध्यम से, तो वो रेफरेंस नंबर आप डालेंगे और उसमें लिखा जाएगा कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सब सही पाए गए हैं, सब वेरीफाइड हैं, उसके बाद ही वो रेफरेंस नंबर जारी होता है। रेफरेंस नंबर जारी होने का मतलब है आपके डॉक्यूमेंट सब सही पाए गए, तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। हाँ, ज्वाइनिंग में नहीं हो सकती आचार संहिता में, लेकिन आपकी काउंसलिंग हो सकती है। काउंसलिंग मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके अलावा बहुत से भाई बहन कहते हैं कि सर पहले चॉइस फिलिंग होगी या डॉक्यूमेंट चेक होंगे। जाहिर सी बात है, पहले डॉक्यूमेंट चेक होंगे कि आप उस पात्रता में आते हो कि नहीं आते हो। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने वर्ग 2 का एग्जाम दिया है, आपने BA, DED या DLED किया है, तो उसकी मार्कशीट आपके पास है कि नहीं है, नहीं तो आपने ऐसी जानकारी दे दी है, तो उसका वेरिफिकेशन है। और ये लाजमी सी बात है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएंगे, रेफरेंस नंबर जारी हो जाएगा, उसके बाद ही आप जाकर जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा कल एक बहन ने ये पूछा था कि सर जो मुहिम चलाई जा रही है कि हमारी पोस्टें बढ़ाई जाएं वर्ग 2 वर्ग 1 में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं क्या। तो मैं ये कहता हूँ कि इसके बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जितने भी जनरल चैनल हैं, जितने भी मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती से जुड़े चैनल हैं, चाहे उन पर 1 सब्सक्राइबर हो, चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर हो, चाहे 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो, सबकी एक ही सोच है, सबकी एक ही मांग है कि वर्ग 2 की आप पोस्ट देखेंगे सबसे कम है दोस्तों। 5670 टोटल हैं MP एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बाकी जनजाति विभाग की मिलाकर 11,000 के समथिंग हो जाती हैं। तो MP एजुकेशन में जब इतनी पोस्टें खाली हैं, उसमें से कम पोस्टों पर भर्ती हो रही, तो उन्हें बढ़ाई जा सकती है। वर्ग 1 की तो तब भी ठीक मान सकते हैं कि 20,000 समथिंग है आपके जनजाति विभाग की मिलाकर और एजुकेशन डिपार्टमेंट की मिलाकर, जिसमें से कि एजुकेशन डिपार्टमेंट फर्स्ट काउंसलिंग में 15,000 पोस्टें फिल करेगा, ठीक है दोस्तों। तो वर्ग 2 का यहां पर यह है कि यदि पोस्टें बढ़ जाती हैं तो आपकी जिनकी रैंकिंग थोड़ी ज्यादा आई है उन्हें भी लाभ मिलेगा। तो इसमें तो सभी चैनल एक हैं, उनका ही एक एम है, एक लक्ष्य है, और कोई किसी भी तरीके से यदि प्रयास कर रहा है तो सभी उसको सपोर्ट करेंगे, पूरे चैनल वाले। तो इसमें कहीं से कहीं तक किसी के मन में यह डाउट नहीं होना चाहिए कि अतुल सर के चैनल है तो ये अतुल सर के विरोध में ये चैनल होते हैं, तो इसके अतुल सर ऐसा कहेंगे, ऐसा कुछ भी ना समझे। विरोध सिर्फ बातों का होता है, टॉपिक्स का होता है, चैनल्स का कोई आपस में विरोध नहीं है। ये आप अपने मन से निकाल दें कि मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती से जुड़े जितने भी चैनल हैं उनमें आपस में विरोध है, किसी का कहीं से कोई भी विरोध नहीं है।
सिर्फ टॉपिक का विरोध हो सकता है, जैसे कि मैंने किसी टॉपिक के बारे में गलत बोल दिया कि ये टॉपिक सही नहीं है, ये टॉपिक भ्रमित करने वाला है, तो जिस चैनल का वो टॉपिक्स है वो अपने चैनल में कहें कि नहीं नहीं अतुल सर को इस टॉपिक्स के बारे में इतना पता नहीं है, वो एनालिस्ट ठीक से नहीं कर पाते हैं इसलिए इसकी बुराई करते हैं। तो सिर्फ टॉपिक्स का है, आप ये बांटने की कोशिश ना करें चैनल्स को। मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती पर जितने भी चैनल्स हैं वो सब एक हैं, उनकी सबकी सोच एक है और वो सब एक ही प्रयास कर रहे हैं कि कैसी भी आपकी पोस्टें बढ़ाई जा सके। अतुल कुमार शर्मा हूँ, अपने स्तर से पोस्ट बढ़ाने के लिए मुहिम चला रखी है और मैंने कोई ऐसी खास मुहिम नहीं चलाई है। मुझसे फेसबुक पेज पर बहुत से भाई बहन जुड़े, उन्होंने कहा कि सर हम ज्ञापन देना चाहते हैं अपने जिले में, तो किसे दें कैसे दें, तो सिर्फ गाइड किया, बाकी का सब काम उन्होंने किया, पूरा काम उन्होंने ज्ञापन भी दिया और उन्होंने फोटो भी शेयर की कि सर हमने ज्ञापन दे दिया है, तो मैंने उन्हें थैंक्स बोला। मीन्स अतुल सर ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गाइड किया, बाकी का वो अपने अपने जिले में ज्ञापन दे के आए। अधिकतर बहुत सारे जो जिले हैं उनमें ज्ञापन दिया जा चुका है, जिनकी फोटो और अपडेट्स उन्होंने मुझे शेयर की है, तो ये उनकी मेहनत है। जहाँ तक चैनल की बात करें तो उनसे जितने भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं दोस्तों वो इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं सभी, और सभी चैनल्स एक हैं। अब मैं आपको टॉपिक्स का बता देता हूं कि अतुल कुमार शर्मा के किसी को बुरा लग जाता है तो वो क्यों लग जाता है, वो इसलिए लग जाता है कि बहुत से चैनलों के ये टॉपिक्स थे कि आपकी मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती नहीं होगी, और उन्होंने इस बेसिस पे कहा था कि पर्पस एग्जामिनेशन बोर्ड का कैलेंडर है उसमें वर्ग एक और वर्ग दो का जिक्र नहीं है, तो उसमें मैंने ये कहा था कि पटवारी का भी जिक्र नहीं था लेकिन पटवारी एग्जाम कराए गए, इसी तरह आपके वर्ग और वर्ग एक और वर्ग दो के भी एग्जाम होंगे, आप प्लीज तैयारी जारी रखें, क्योंकि हमारा मकसद ना नोटिफिकेशन देखना होना चाहिए, ना फॉर्म फिल करना होना चाहिए, ना एग्जाम देना होना चाहिए, ना रिजल्ट देखना होना चाहिए, हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि उसमें से एक पोस्ट हम प्राप्त कर सकें, और वो एक पोस्ट तभी प्राप्त करोगे जब आप पूर्ण फोकस होकर तैयारी कर सकोगे। यदि मन में कहीं भी संशय है कि ये परीक्षा होगी कि नहीं होगी, ये वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी वर्ग एक और वर्ग दो की, तो आप उस हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो जाहिर सी है कि टॉपिक्स यदि कटते हैं तो कुछ चैनल को बुरा लग सकता है, ऐसे कि आपका ये कहा गया कि कट ऑफ इतनी तक जा सकती है जा सकती है, तो अतुल शर्मा ने यही कहा कि जब आपको सब्जेक्ट का पता नहीं है कि वर्ग एक में हिंदी से कितनी सब्जेक्ट हैं, आपके मैथ से कितने सब्जेक्ट हैं, या वर्ग दो में कितने वैकेंसी हैं उस सब्जेक्ट से, वैकेंसी का पता नहीं है फुल आपको, तो फिर आप कट ऑफ कैसे निकाल कर दूसरे को टेंशन में डाल सकते हैं, क्योंकि सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, फिर वो कट ऑफ के उतने वीडियो देख डालता है जिसमें वो किसी न किसी वीडियो में तो कट ऑफ में आ जाए, तो इस हिसाब से तो इसमें क्या रहता है कि टॉपिक्स ही होती है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जो कल कमेंट एक लाइव में आया था, मुझे ये लगा कि उन्हें ये लगता है कि मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती से जो जुड़े चैनल हैं उनमें आपस में कुछ वॉर चल रही है, कुछ लड़ाई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी एक हैं, सबका एक ही मकसद है। हाँ, टॉपिक्स अलग अलग हो सकते हैं, मैंने जो टॉपिक्स आपको कहा तो आप कह सकते हो कि नहीं नहीं बहुत से सब्जेक्ट जो हैं उनकी पोस्टों का तो सर पता है तो उस हिसाब से तो कट ऑफ जारी कर सकते हैं, तो फिर मैं वहां पर कहता हूं कि पोस्टों का आपको कैसे पता है तो उस डाटा को शो करें आप, है ना। और जहां तक शिक्षा भर्ती से जुड़े चैनल्स हैं तो उन्होंने अपने मुकाम हासिल किया, अपना काम हासिल किया है, अपने काम की वजह से एक विश्वास जमाया है, तो कहीं से भी कहीं तक वो सही कर रहे हैं, कहीं से कहीं तक एक नहीं है, दो तीन टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर मैं बोलता हूं। एक तो आपके कट ऑफ का टॉपिक मुझे समझ नहीं आता, हो सकता है मुझे एनालिसिस करना ना आता हो, उसका उदाहरण मैं यह दे देता हूं कि सबसे ज्यादा जो डाटा था वो प्रोफेसर एग्जामिनेशन बोर्ड पर था, फिर भी उन्होंने कट ऑफ नहीं बताई, आपकी रैंकिंग बनाई, कट ऑफ क्यों नहीं बना पाए क्योंकि किस सब्जेक्ट से कितनी पोस्ट है उन्हें भी पता नहीं था। दूसरा ये हो जाता है कि आपकी जो भर्ती है वर्ग एक और वर्ग दो की वो नहीं होगी, कैंसिल होगी, कोर्ट में जाके अटकेगी, ये सब चीजें चलाई जाती है, तो मैं कहता हूं कि ये नियम अनुसार हो रही है, गवर्नमेंट ने ये निकाली थी, दो दो गवर्नमेंट के बीच की ये आपकी वैकेंसी, यानी कि पहली गवर्नमेंट ने आपके फॉर्म फिल कराए थे, दूसरी गवर्नमेंट जो नई आई थी उन्होंने आपके एग्जाम कराए थे, तो जब दो दो गवर्नमेंट का समर्थन इस भर्ती को प्राप्त है तो वो कैसी भी कैंसिल नहीं हो सकती, तो ये मेरे टॉपिक्स होते हैं। तीसरा ये चलाया जाता है कि आपकी वर्ग तीन की भर्ती नहीं आएगी, इसकी तैयारी ना करें, ये भर्ती तो अटक गई, तो इस चक्कर में आप यदि तैयारी छोड़ देते हैं दोस्तों तो नुकसान सीधा आपका होगा, जैसे वर्ग एक और वर्ग दो में बहुत से लोगों का हो चुका है, तो ऐसे टॉपिक का मैं विरोध करता हूं। आप मेरे जितने भी वीडियो देखेंगे ये दो तीन ही टॉपिक हैं जो मुझे सही से समझ में नहीं आते, बाकी की मैं कोई पढ़ाई करा रहा है या कोई किसी भी विशेष तौर पर आपके पोस्टें बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहा है तो उसका मैं हमेशा समर्थन भी करता हूं और मुझे खुशी भी होती है, और मैं उनसे तहे दिल से कहता हूं कि सर प्रणाम, आपकी जो मेहनत है जो लगन है वो सराहनीय है, जिससे कि सभी को लाभ मिलेगा।
तो यहाँ अतुल कुमार शर्मा जी हैं, वो सिर्फ ये ही है कि कुछ टॉपिक्स का विरोध करते हैं, तो डेफिनेटली वो कल कमेंट मुझे ऐसा लगा कि मुझसे कुछ और कहलवाना चाह रहे थे या कुछ और उनके मन में चल रहा था। ये ऐसा चल रहा था कि अतुल शर्मा के ये चैनल ऐसे हैं जो कि गलत बोलते हैं, तो अतुल कुमार शर्मा इनके बारे में क्या बोलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अतुल कुमार शर्मा का सिर्फ एक फोकस है कि जो मेरे परिवार जो मेरा वीडियो देख रहा है और जो मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती में मेहनत कर रहा है उसे एक जॉब मिल जाए, वो कैसे भी मिल जाए, है ना, वो उसकी मेहनत है, उसकी लगन है, लेकिन उसमें यदि हम एक पोस्ट बढ़वाने में थोड़ी भी मदद करें किसी भी स्तर पर हर एक इंसान की, तो वो बेहतर है। मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले युद्ध हुआ करते थे राजा महाराजाओं, तो एक देश में युद्ध हो रहा था और वो थी पर्सिया की लड़ाई। पर्सिया एक आपने सुना होगा, सर्च करेंगे गूगल पे मिल जाएगा, तो ये पर्सिया की कहानी है। तो पर्सिया में एक लड़ाई हो रही थी राजा में, तो वहाँ पर एक इंसान था जो कि थोड़ा सा उसकी हाइट कम थी और थोड़ा वो हैंडीकैप टाइप का था, मीन्स वो लड़ नहीं सकता था, लेकिन उसके जो पूर्वज थे वो बहुत सैनिक थे और बहुत बड़े योद्धा रहे थे। तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक था मन में कि मैं भी एक सैनिक बनूं और एक युद्ध में लड़ूं और राजा की तरफ से लड़ाई लड़ूं। तो वो जब उसकी हाइट थोड़ी सी कम थी, थोड़ा उसका पैर भी ऐसा था कि वो हैंडीकैप टाइप का था, तो वो चल नहीं पाता था, लेकिन वो ये था कि तलवार अच्छे से चला लेता था और भाला भी उठा लेता था और अपनी जो ढाल थी उसे भी लेकर वो राजा के पास पहुंचा कि मुझे भी आपके साथ लड़ाई लड़ना है, जो दूसरा हम पे अटैक कर रहे हैं, तो मैं अपने राजा के लिए अपना बलिदान देना चाहता हूँ, शहीद होना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुम में वो क्षमता नहीं है कि तुम ऐसे लड़ सको। तो उसके मन में निराशा हुई कि मैं फिर कुछ भी काम नहीं आऊंगा। तो राजा ने कहा कि तुम काम कर सकते हो, तुम क्या करो कि जो भी घायल सिपाही हैं उनके मरहम लगाओ, उन्हें पानी पिलाओ, उन्हें हौसला दो, हम उनकी सेवा करो, तो ये भी तुम लड़ाई का एक पार्ट हो, एक भाग ले रहे हो, है ना। तो उसने वही किया और उसे आत्मशांति मिली। तो यहाँ पर कोई उस हिसाब से कैपेबल नहीं है, क्षमता नहीं है, तो भी वो अपने हिसाब से पोस्ट बढ़ाने के लिए यदि मोटिवेटेड कर रहा है, समर्थन कर रहा है। और कोई ऐसा है जिसमें हाई क्लास क्षमता है, जो लोगों को ज़्यादा जानता है और कैसे पोस्टें बढ़ाई जाए, कैसे ध्यान आकर्षण किया जाए, उस चक्कर में वो मेहनत कर रहा है, तो उसका भी प्रयास बहुत बड़ा है, क्योंकि वो तो सीधा युद्ध ही लड़ रहा है सामने वाला। लेकिन जो थोड़ा भी यदि एक किसी को एक गिलास पानी भी प्रोवाइड करा रहा है, जो सैनिक घायल है, तो उसका भी थोड़ा बहुत ये होता है कि उसके मन में आ जाता है कि कहीं ना कहीं मैंने अच्छा किया। जैसे उसके मन में आया कि कहीं ना कहीं मैंने लोगों की, जो सैनिक हैं घायल, उनकी सेवा कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा हूं। तो अतुल कुमार शर्मा का जो थिंकिंग है, जो सोच है, यदि आप पकड़ पाए होंगे, यदि मेरे वीडियो को आप समझ पाए होंगे, तो वो ये नहीं है कि मुझे सब्सक्राइबर मिल जाए, व्यू मिल जाए, मेरा चैनल हाई ग्रो हो, ये नहीं है। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आप भ्रमित ना हो, आप अच्छे से तैयारी कर सकें, आपकी पोस्टें बढ़ सकें, आप एक जॉब हासिल कर सकें, आपके माता पिता के सपने, लगन, आपकी मेहनत, आपकी रुपए बीएड डीएड में लगा है, उसके कुछ मायने निकल सकें, आपकी लाइफ के कुछ मायने निकल सकें। आप यदि टीचर बनते हो तो ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो गरीबी से गुजर रहे हैं, उन्हें आप अच्छा एजुकेटेड कर सको, अच्छी एजुकेशन दे सको, वो भी आप जैसे एक टीचर बन सके आगे चल के। तो ये अतुल कुमार शर्मा का एक मकसद होता है दोस्तों, और कोई मकसद नहीं होता। आप सोचो कि अतुल कुमार शर्मा व्यू, सब्सक्राइबर, ये सब चीजों के लिए वीडियो बनाए, ये इस सब चीजों के लिए है, या फिर कोई ऐसे चैनल है जिनके अतुल कुमार शर्मा लगातार बुराई करते रहे और ये कहे कि मेरे वीडियो अच्छे हैं, उनके वीडियो खराब हैं, उनसे ऐसा है वैसा है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा, ये सब चीजें बेकार है, बेबुनियाद है, इनमें कोई भी कहीं भी तर्क नहीं है। तर्क सिर्फ एक है कि सभी चैनल एक है, सभी चैनल प्रयास कर रहे हैं, सभी चैनल मेहनत कर रहे हैं, अतुल कुमार शर्मा तो बहुत पीछे हैं उनसे। उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी जज्बा, उन चैनलों का मार्गदर्शन, अतुल कुमार शर्मा को देखोगे ना तो लाखों गुना उनसे पीछे हैं, उनकी मेहनत से पीछे हैं, उनकी लगन से पीछे हैं, उनके प्रयास से पीछे हैं। तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अतुल कुमार शर्मा सोचते हैं अपने आप में कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी 1% मैं भी कुछ करूं, जिससे कि मुझे भी आत्मशांति मिले, मैंने लगे मन में कि नहीं मैंने भी कुछ किया है, नहीं मेरे वजह से भी थोड़ा बहुत तो अंतर आया। तो ये है अतुल कुमार शर्मा की सोच। तो मुझे कल वो वीडियो में एक कमेंट आई थी ना, वो भी लग गई कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को भी,
और जहां तक रहा रिप्लाई का सवाल दोस्तों, तो पता है कि आपको कि हर एक वीडियो पर 300 से लेकर 500 कमेंट्स आते हैं। मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं अभी तो, क्योंकि समय उतना नहीं है। पहले मैं करीबन 3 घंटे बैठता था और करीबन आपके पढ़ता था कमेंट, रिप्लाई भी देता था। अब मैं 1 घंटे बैठता हूँ, 1 घंटे में जितने भी मेरे पास मुझे पढ़ने में आ गए और जितना मैं टाइपिंग करूं, क्योंकि टाइपिंग भी करते करते 1 घंटे तक दोनों हाथ ऐसे हो जाते हैं जाम से कि 1-1.5 घंटे में कंप्यूटर पर टाइप करता हूं, कंप्यूटर से ही मैं रिप्लाई देता हूं, तो वो जाम से हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं लगा रहता हूं कोशिश करने के लिए। तो बिल्कुल भी आप निराश ना हो, आपके साथ हूं और कोशिश करता हूं कि हर एक कमेंट्स को रिप्लाई दे सकूं, फिर भी नहीं दे पा रहा हूं, तो उसके लिए तो मैं हमेशा सॉरी बोलता हूँ। कल मैंने एक पोस्ट भी डाली थी सॉरी के रूप में, तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों कुछ क्लियर करना था, कुछ अपने मन की बात भी कहनी थी और कुछ आपको बताना था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कर देना। हालांकि वीडियो में कुछ है ऐसा नहीं था आज के में जिसमें आपको लाइक करना पड़े, आप चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मर्जी है। आपको अच्छा लगे कि हमें और वीडियो देखने को मिले अतुल सर के, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।